यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप अगर आप आपका चैनल मोनेटाइज है और आप गूगल टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करते हैं, तो आपके यूट्यूब चैनल पे जो ऐड होते हैं वो रुक जाते हैं। उन ऐड को दोबारा चलाने के लिए आपको गूगल एडसेंस का जो टैक्स इन्फॉर्मेशन होता है वो पूरा फिल करना पड़ता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और बहुत सारे लोग जानते भी हैं तो इतना लंबा प्रोसेस है कि याद नहीं रहता है। तो आप बिना वीडियो देखे आप टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल नहीं कर सकते, और अपने यूट्यूब चैनल पे जो एड्स आती है वो दोबारा चालू नहीं कर सकते हैं। तो दोबारा चालू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख करके आप अपने यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ कौशल किशोर, और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल कौशल में। यहाँ से मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले आप ये मोबाइल के गूगल क्रोम से भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपको यूट्यूब गूगल खोलना है, और यहाँ पर गूगल एडसेंस लिखना है, गूगल एडसेंस सर्च करना है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपको गूगल एडसेंस टाइप कर लिया गूगल के अंदर, और सर्च कर लिया जो फर्स्ट वेबसाइट आ रहा है, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल में अगर खोल रहे होंगे तो जो तीन लाइन ऊपर में दिखता है उस पर क्लिक करके साइन इन पर क्लिक करना है आपको। साइन इन पर क्लिक करने के बाद गूगल एडसेंस आपका लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन हो जाने के बाद गूगल एडसेंस के अंदर आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने का ऊपर में आपको नोटिफिकेशन आता रहता है, उस नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखिए, यहाँ पे चेक इफ़ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू, और ये सभी यूट्यूबर्स के लिए, सभी क्रिएटर के लिए, चाहे वो 2016-17 के मोनेटाइज चैनल हो गए, उनको भी टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना पड़ा है अभी के समय में। तो यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद उसके बाद फिर जो ऑप्शन आएगा उसमें जा कर के हम टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे दोबारा लॉगिन करने का मांगा जा रहा है, तो मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ। मैंने नेक्स्ट कर दिया, आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। पहला ऑप्शन आ रहा है कि आप इंडिविजुअल हैं या कोई बिजनेस है। नन इंडिविजुअल हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से हैं, खुद चला रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं है। यूट्यूब चैनल लगभग जितने भी हैं इंडिविजुअल होते हैं। इंडिविजुअल पर क्लिक करने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा है, आर यू सिटीजन और रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो 100% हम यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले नहीं हैं, तो नो पे क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। पहला आपने समझ लिया इंडिविजुअल, और नो पे क्लिक करके आपको भर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो है कि आप अमेरिका के नहीं हैं और आप इंडिविजुअल हैं, और दूसरा नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है, जैसे पहला W8BEN जो है वो उनके लिए है जो अमेरिका के रहने वाले नहीं हैं और उनका बिजनेस नहीं है, वो इंडिविजुअल है। और सेकंड है जिन जो बिजनेस है, सेकंड वाला में W8ECI जो है ये बिजनेस इंटिटी के लिए है। तो बिजनेस आपका नहीं है, आप इंडिविजुअल हैं, तो फर्स्ट वाला फॉर्म फिलअप करेंगे आप W8BEN, और यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म फिलअप करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक कर देना, स्टार्ट W8BEN फॉर्म पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद अब इसमें जो जो ऑप्शन आएगा बारी बारी से फिल करना स्टार्ट करना है आपको। तो ये थोड़ा स्लो है अभी। अब यहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, यहाँ पे नेम भी फिल किया हुआ है कमलकांत यादव, और ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ना ये बिजनेस वालों के लिए है, अगर आपका नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, भरने की जरूरत नहीं है। थर्ड में ऑप्शन आप देख रहा है कंट्री, तो कंट्री तो हम ऑब्वियसली इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा इंडिया है, किधर ऊपर चला गया, GHIJ, हाँ मैंने यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अब आगे ऑप्शन जो बढ़ेंगे, यहाँ फॉरेन टीन मांगा जा रहा है। तो टीन सिंपल समझ लीजिए कि फॉरेन टीन उधर के लिए टीन होता है, हमारे यहाँ पैन होता है, तो ये पैन हमारा पैन नंबर काम आएगा। तो यहाँ पर मैं पैन नंबर डाल दे रहा हूँ, मैंने पैन नंबर फिल कर दिया, हमारा फॉरेन टीन फिल हो गया है। देन वहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद सेम आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, तो ये जो एड्रेस आपका पहले से फिल है इसमें वो फिल कर देंगे। पूरा एड्रेस मैं यहाँ पे दोबारा भर देता हूँ।
ये पूरा एड्रेस मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, और यहाँ पे मेलिंग एड्रेस इज़ द सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर जो अब मेल करने का एड्रेस है वो सेम वही है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमारा रेसिडेंस भी यही है और कोई पोस्ट ऑफिस के जरिए कोई सामान आता है वो भी इसी एड्रेस पर आता है, तो हमने सेकेंड वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर दिया। देन यहाँ पर पूरा एड्रेस भरने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन ओपन होगा और उसमें फिल करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जाएगा, आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस रेट ऑफ विदाउट होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बोल देंगे रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री रिलीजन क्लेमिंग सेकेंड वाला ऑप्शन यस, जो जो अमेरिका के साथ यूएस के साथ ट्रीटी है हमारा इंडिया है, तो यस पे क्लिक कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे इस पर भी क्लिक करके, और यहाँ पे इंडिया दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे हम। इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर अब नीचे जाएंगे। यहाँ समझ गए होंगे आपकी आप अमेरिका के साथ हमारा वो ट्रीटी है इंडिया, जो टैक्स इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं उसमें, तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक करके इंडिया सेलेक्ट कर लिया आपने। अब यहाँ पे दो तीन सर्विसेज हैं, इसमें पहले वाले सर्विस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आर्टिकल और पैराग्राफ जो है, इसमें हम आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, और विदाउट होल्डिंग रेट जो दिख रहा है वो 0% रिड्यूस रेट कर लेते हैं, मतलब यही भरना ही है, यही है, कर नहीं लेते हैं। और नीचे वाले जो ये बॉक्स है, इस पे बॉक्स पे भी क्लिक करते जाना है। उसके बाद सेकेंड वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आर्टिकल 12 सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे 15% रिड्यूस रेट, उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक कर देना। दोबारा नीचे वाले में जाना है, इस पे भी क्लिक करना है, और यहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे आर्टिकल 12, और यहाँ पे भी 15%, आपको ऊपर में 0%, दोनों में नीचे वाले में 15%, और बाकी आर्टिकल जो आएगा, और बॉक्स पे भी क्लिक कर देना सभी बॉक्स पे। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, उस पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आगे जो ऑप्शन आएगा उसमें हम जो डिटेल भरना होगा भरेंगे, और यहाँ पे आप कंफर्म कर देना है कि आप अब जितना डिटेल भर रहा है उसे आप कंफर्म कर लीजिए कि सारे अपने सही भरे हैं। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। यस आई एम ए पर्सन नेम टैक्स पेयर सिलेक्ट सेक्शन, तो यहाँ पे आप यस आई एम ए पर्सन नेम एंड टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन सिग्नेचर फॉर्म, तो इसमें आपको यस पे क्लिक कर देना है, ये वाला ऑप्शन पे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फुल लीगल नेम डाल देना है, तो जो नेम है KAMTYADAV, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में छठे नंबर पे यहाँ पे आ रहा है, जो ऑप्शन आ रहा है इसमें, इसमें आपको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म वाले पे क्लिक कर देना है इस पे। उसके बाद सबसे नीचे में यहाँ पे दो चीज़ पूछा जा रहा है, एक तो पूछा जा रहा है कि आपने पहले से कोई पेमेंट लिया है, तो आप नीचे वाला, जैसे कि आपने एक दो पेमेंट आपने उठा लिया है या फिर पहले से पेमेंट उठा लिया आपने, तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक कोई भी पेमेंट गूगल एडसेंस के थ्रू नहीं उठाया है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यस आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव पेमेंट, मतलब आपने कोई भी पेमेंट नहीं रिसीव किया है, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके देन यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका लास्ट ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल किया है वो देखेंगे, और वहाँ पे सारा आपको क्लेम दिखेगा सामने, आपको सारा कुछ अप्रूव दिख रहा है, और जो भी 0% 50% क्लेम्ड कन्फर्म दिख रहा है, तो आपने US टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर लिया है कम्प्लीटली। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देख करके आपने अपना US टैक्स इन्फॉर्मेशन 100% सक्सेसफुली फिल कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड टेक केयर।